जीवन मैंने इससे अच्छा पायलट आज तक नहीं देखा फीलिक्स। और अगर इसने गलती नहीं की तो शायद एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है। यस फीलिक्स, कितना सोते हो आज? तुम्हारा ऑटो स्कूल में मेरा पहला दिन है। हाँ, सही कहा। चलो जल्दी टी शर्ट मैं ले आता हूँ। हाँ। ये लो, मॉम ने तुम्हारे लिए भेजा है। कूल। हाँ, बहुत कूल है। ओके, ये लो पकड़ो जैकेट। ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है, चलो। देखो तुम्हें हर क्लास में ध्यान देना है, ठीक है? संभल कर डैड। बाप रे, ठीक है, स्कूल के रूल्स का ध्यान रखना। रेड सिग्नल था। कमाल है, स्कूल में आंसरिंग मशीन तक नहीं है। फिर से फीलिक्स, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि तुम मैथ के एग्जाम में वीडियो गेम खेल रहे थे। अगर तुम्हें वाकई पायलट बना है तो इसे बंद करो और पढ़ाई करो फीलिक्स। मेरा आखिरी मौका है, वरना किसी दूसरे शहर जाना होगा। पार्किंग, पार्किंग। मैंने सुना है कि पायलट बनने का एग्जाम बहुत मुश्किल होता है, शायद मुझे कुछ और बनना चाहिए। क्यों, तुम हमेशा से पायलट बनना चाहते थे? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चलो इस तरफ। ये क्या है? मुझे तो लगा था स्कूल के फाउंडर को बच्चों से प्यार है। छोड़ो भी, चलो। वो देखो, क्या कर रहे हो? हाय, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पीटर है, ये मेरा बेटा फीलिक्स है। आज स्कूल में इसका पहला दिन है और हम प्रिंसिपल से मिलना चाहते थे। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। तुम गलत जगह आ गए हो, ये क्लासरूम कई सालों से बंद पड़ा है। ओ, अच्छा ये बात है, पर ऐसा क्यों? तुम्हें उस तरफ जाकर बाएं मुड़ना होगा। ओ, अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, पता नहीं कौन था ये। हमें जरा देर हो गई। आई एम सॉरी। वो जो हमारी अलार्म क्लॉक है ना, वो कभी कभी खराब हो जाती है। मंजिल आपकी, राह हमारी, ये हमारे स्कूल का सिद्धांत है। आपने स्कूल गेट पर पढ़ाई होगा।
लैटिन में लिखा था। ओ हम पिछले 100 सालों से पढ़ाने की सबसे आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो फीलिक्स फ्रंटमैन, तुम उन तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार हो? एक्चुअली मैं यहां सिर्फ पढ़ने आया हूं। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता ये जगह तुम्हारे लिए सही है। ऐसा क्यों? वो छोड़ो, हमारे कुछ उसूल हैं। तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए स्कूल के फाउंडर ऑटो लेनर्ड का, जिनकी वजह से सबको, फिर चाहे उनका बैकग्राउंड या अचीवमेंट्स कुछ भी हो, उन्हें एक मौका मिलता है, तुम्हें भी मिलेगा। कूल। तुम्हें स्कूल में परमानेंट किया जाएगा या नहीं इसका फैसला 3 महीनों में होगा, और अगले 2 हफ्तों में तुम्हें 2 इम्तिहान पास करने होंगे। कोई सवाल? हाँ, मुझे स्कूल में बच्चे दिखे नहीं, वो सब फील्ड ट्रिप पर गए हैं क्या? यहाँ सिर्फ डिसिप्लिन दिखता है, भागना कूदना चीखना चिल्लाना सख्त मना है। मतलब सिर्फ सांस लेना और पढ़ना अलाउड है यहाँ? चुपचाप सांस लेना और पढ़ना। अपने बेटे को क्लास 5B में ले जाएं। मिलकर खुशी हुई, शुक्रिया। स्कूल इतना भी बुरा नहीं है ना? माफ करना। डॉक्टर श्मिट गोस्वाइन, काश मैं कह सकता कि आपसे मिलकर खुशी हुई। स्कूल इंस्पेक्टर हैनी, मैंने आपसे कहा था कि आज मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। आप स्कूल का भविष्य नहीं बदल सकती। इस स्कूल में सिर्फ रूल्स चलते हैं जो कि आप पर भी लागू होते हैं और मुझ पर भी। अभी स्टूडेंट्स के कंसल्टेशन का टाइम है और फिर मेरी क्लास। कल सुबह 10 बजे हम मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये बात मैं आपको फॉर्मल नोटिस के रूप में राइटिंग में देने वाला हूँ। रूल्स के मुताबिक मैं फॉर्मल नोटिस को इग्नोर नहीं कर सकती। इस स्कूल ने मेरी नाक में दम कर रखा है। नाक टूटी तो नहीं? इस तरह यहाँ बैठकर हंसने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंदर। अगर प्रिंसिपल ज्यादा चिल्लाने लगे तो सोचना कि वो गटर में गिर गई है। क्या? मेरे क्लाइंट्स जब परेशान करते तो मैं भी यही सोचता हूँ, वो गिर गए हैं गटर में। छी, डैड ऐसा कौन सोचता है? ठीक है, तो सोचो कि वो जोकर है या बंदर है, उससे भी काम चल जाएगा। मैं क्लास में जाता हूँ पढ़ाई करने। ठीक है मेरे शेर, पढ़ाई ज्यादा और शरारत कम। I'm Felix. Hi, Felix. Wow, एक पैरा ड्रोन कैमरा के साथ। इसके साथ ग्लासेस भी आए, जिन्हें पहनो तो लगता है इसी में बैठे। कमाल है, मैं ट्राई कर सकता हूँ? वो तो देखना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या तुम हमारी गैंग में हो? क्या ये आपको तंग कर रहा है? है कौन ये नया लड़का? मुझे बस इसका नाम ही पता है। फट्टू टाइप का लगता है, लूजर कहीं का। क्या तुम भी इसी क्लास में हो? हाँ, मैं हूँ फिलिक्स फ्रंटमैन, आज मेरा पहला दिन है। फ्रंटमैन ये कोई निकनेम है क्या? सुनो फ्रंटमैन, तुम आज से बनोगे बैकमैन। क्या जोक मारा, बैकमैन। वाह, ये जोक मैंने पहली बार सुना। तुम लोग काफी कूल लगते हो। सही पहचाना, बस अब ये बात याद रखना। होशियार, खड़ूस आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर श्मिट गोस्वाइन। बुत बने क्यों खड़े हो? एला के साथ बैठ जाओ। ये तो लड़की के साथ जाके बैठ रहा है, फ्रंट मैन है या वुमन? फेलिक्स, ब्लैक बोर्ड के पास आओ।
तुम्हारा एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। नोटबुक निकालो, ये लिखो, साइडलाइन ए 40 सेंटीमीटर्स, ग्रिड लाइंस के बीच लिखो, इन्हें शो के लिए नहीं बनाया गया है। पर मैंने वही तो किया। ठीक से देख कर लिखो, हमारे पास डस्टर भी है। एक क्वाड्रेटिक पिरामिड बनाओ आइसोसेलीस ट्रायंगल के साथ। मेरे ख्याल से तभी मुमकिन है जब सारी साइड्स इक्वल हो। फेलिक्स, कुछ गलत किया? ट्रायंगल रूलर लो। फिर दो पिरामिड्स के साथ एक ऑक्टाहीड्रन बनाओ और उसकी लंबाई बताओ। और उससे पहले क्या? पिछले स्कूल वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इसे सॉल्व कैसे करना है? मैथ्स में मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ। मैथ्स में कच्चे हो, इसका क्या मतलब है? मेरा मैथ्स कुछ खास नहीं। हाँ, वो तो दिख रहा है। एला, तुम्हें इसे ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ आकर तुम करके दिखाओ। ऐसी ही है, तुम्हें उनकी आदत हो जाएगी। तुम्हें नहीं पता ये मेरे लिए कितना जरूरी है। खड़ूस पे तुम्हारी बैंड बजा दी दोस्त। खड़ूस के दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं। सच में? रिसेस में तुम सब क्या करते हो, फुटबॉल या स्केटबोर्डिंग? तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है, तुम मेरी बात सुनो दोस्त। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसके साथ हो, हमारे साथ, उन लड़कियों के साथ, या बाकी लूजर्स के साथ। अगर तुम हमारे दोस्त बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 डेयर्स पास करने होंगे। सच में? हाँ, करने होंगे। मैंने तो 4 डेयर किए थे। हाँ, क्यों नहीं, तो करना चाहोगे? ये किस किस्म का डेयर होगा? क्या तुम जानते हो कि इस स्कूल में भूत भी है? अच्छा, तो मुझे भूत को पकड़ना है? नहीं, बस तुम्हें पुराने स्टाफ रूम में जाना है अंधेरा होने के बाद। क्या? ताला तोड़कर? तुम्हें खड़ूस का डर लग रहा है ना? रहने दो, तुम लूजर ही हो। देखो कहीं का। तुम्हें खड़ूस का डर लग रहा है ना? रहने दो, तुम लूजर ही हो। अगर तुम्हें वाकई पायलट बनाए तो इसे बंद करो और पढ़ाई करो। डरपोक कहीं का। तुमने मुझे डरा दिया मिखालस्की। क्या चाहिए तुम्हें? आप अब तक काम कर रही हैं? पेपर चेक कर रही हूँ। एक टीचर होने की सबसे अच्छी बात तो यही है ना? आपको यहाँ इतनी रात तक काम नहीं करना चाहिए। मुझे सलाह देने के लिए शुक्रिया, पर मैं ठीक हूँ। गुड नाइट मिस्टर मिखालस्की। जैसा आप ठीक समझे, गुड नाइट। जाओ यहां से, उल्टा जाओ। ये किससे बात कर रहे हैं? उसी भूत से जो स्कूल में है। भूल द स्टेक बर्थ। वो स्कूल की प्रिंसिपल थी,
और उसकी आत्मा उस बंद कमरे में है और तुम चाहते हो मैं वहाँ जाऊँ। भूत भूत कुछ नहीं होता। क्या तुम वाकई उसे अंदर भेजना चाहते हो? हाँ तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं ना। जाओ, हिम्मत है तो अंदर आओ, ये जगह बहुत कूल है। मुझे बताओगे कि तुम रात के 2 बजे स्कूल के बंद कमरे में क्या कर रहे हो? दरअसल मैं रास्ता भटक गया और मैं खो गया और मेरी घड़ी, मेरा मतलब फोन की बैटरी खत्म हो गई। मुझसे झूठ मत बोलो, क्या छुपा रहे हो तुम? बिना इजाजत के आना, झूठ बोलना, चोरी करना, तुम्हारा खेल तो खत्म। तुमसे पहले किसी स्टूडेंट ने अपने पहले दिन इतने रूल्स नहीं तोड़े। मुझे तुम्हारे डैड को बुलाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। गटर में गिर गई है इसलिए। तुम ये क्या बड़बड़ कर रहे हो, जोर से बोलो। डैड क्या कह रहे थे? जो करके कपड़ों अगर में तुम मुझे अपने यहाँ होने की कोई सही वजह नहीं बता सकते तो तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। वो गटर में गिर गई है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाकर कहने वाली हूँ कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल गई है। हाँ, डॉक्टर श्मिट गोजनवाइन, सच में गिर गई क्या? ये क्या हो गया? फेलिक्स, मारियो, अंदर आ जाओ। कितनी कूल जगह है ना? तुमने पहला टेस्ट तो पास कर लिया। मुझे नहीं लगता मैं दूसरा कर पाऊंगा, क्योंकि पहले वाला ही काफी डराने वाला था। तुम्हें होल्डर स्केचबुक दिखी? मैं उसे नानी याद दिला देता। नहीं, प्रिंसिपल दिखी। प्रिंसिपल
मजाक नहीं कर रहे हो ना? चलो यहाँ से चलते हैं। ये क्या है? खाया हुआ च्युइंगम बैग में कौन रखता है? ठीक है, ये यहाँ पर। फेलिक्स आ गए? इतनी रात को कहाँ आ गए इसे? मुझे आपसे बात करनी है स्कूल के बारे में। ओ फेलिक्स, तुमने वादा किया था कोशिश करोगे। हाँ, और मैंने पूरी कोशिश की, पर स्कूल में कुछ लड़के हैं और वो। ठीक है, यहाँ आओ। यहाँ अब बताओ क्या हुआ। उन्होंने मुझे एक डेयर दिया और मुझे लगा अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मुझे लूजर समझेंगे। मुझे एक भूतिया बंद कमरे में जाना था। क्या तुम वहाँ चोरी छिपे गए? हाँ, नए दोस्त बनाना इतना आसान नहीं है डैड। मुझे भी ऐसा करते हुए अच्छा नहीं लगा, पर वहाँ जाना बहुत आसान था क्योंकि स्कूल में रात को कोई होता ही नहीं है। पर फिर मुझे प्रिंसिपल ने देख लिया, मतलब मुझे ऐसा लग तो रहा है कि उन्होंने देखा, पर एक अजीब बात हुई, वो अचानक कहीं गायब हो गई। फेलिक्स, आज स्कूल में तुम्हारा पहला दिन था। हाँ मैं जानता हूँ, मैं बहुत नर्वस था। एडलेड, शांत हो जाओ और सोचो क्लास के सामने करना चाहिए। मजाक उड़ाया, जरा सोचो। मुझसे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व सबसे पहले क्या करना चाहिए तुम्हें? उनकी बातों की वजह से मैं वो भी सॉल्व नहीं कर पाया जो मुझे आता है। मुझे टॉयलेट जाना है। बोलती हैं कभी ग्रिड का इस्तेमाल करो, डस्टर से पोछो। फिर मैंने आपकी दी हुई टूथ का भी इस्तेमाल किया, मैंने सोचा वो गटर में गिर गई है। मुझे बस उस खड़ूस प्रिंसिपल से पीछा छुड़ाना है। वो मारियो और उसके फ्रेंड्स बहुत ही। ओहो, तुम्हारी मॉम का फोन। वो पेड़ काम आ सकता है। आओ आओ। चलो चलो आ जाओ। ओके, हम मॉम को इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताएंगे। याद है ना, हमने फैसला किया था कि मॉम अमेरिका में काम करेंगी, तो अब हम एक टीम है। ठीक है, ठीक है। मैं कल स्कूल में फोन कर दूंगा। रेडी? हाँ। कैसे हो बॉयज? हाय मॉम। कैसी हो डार्लिंग? हे, कल मेरे सपने में तुम आए थे, कैसे हो तुम दोनों? ठीक है, बस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है। क्या वहाँ सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। मेरा नया स्कूल भी बहुत अच्छा है। हाँ, बस कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ। ओह ठीक है, वो तो होंगी ही। हाँ होंगी ही। आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन था, धीरे धीरे और अच्छा लगेगा। अब जिस तरह मुझे मैथ सिखाती थी मुझे समझ में आता था, लेकिन ऑटो में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा? नहीं अभी कुछ पक्का नहीं हुआ। क्या मतलब? पक्का नहीं है। शॉम टॉप में कोई और स्कूल नहीं बचा है। मैं वापस आ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ आने की सोचना भी मत। एडमिशन नहीं मिल रहा है तो हमें कहीं और रहने जाना होगा। Non, non, je ferai tout pour Attends, que tu aies une opportunité de travail, mène-la bien. Je vais régler ça. Je sais Peter, mais toi aussi tu dois travailler. Mais ça y est, j'ai terminé. ये देखो, कैसा है? मुझे ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। हाँ, पर यहाँ आगे एक पेड़ होगा। एक मिनट, वो बॉन्साय कहाँ गया? अभी तो यही था। ओ, ये क्या है? Je sais que ça. Litre 25 de thé à la sauge.
मॉम आई एम रियली सॉरी, मैं और मेहनत करूंगा। अगर तुम चाहते हो मैं वापस आ जाऊं तो मुझे बता देना। हाँ पर मैं संभाल लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम्हारी हाइट काफी बढ़ गई है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। गुड नाइट स्वीटी। मुझे स्वीटी मत कहिए। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। बच गए। मुझे मारा क्यों? सुबह हो चुकी है, चलो उठ जाओ। आप यहाँ कैसे? ये कोई बुरा सपना है क्या? हाँ ऐसा कह सकते हो। क्या कहा? ये एक बुरा सपना है लेकिन मेरे लिए। ये सपना नहीं है, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कहा तुमने? ये मेरी वजह से हुआ, मैं सोच रहा था कि आप कहीं गायब हो जाएं। चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हो? मैं ऊंचा नहीं सुनती हूँ। तुम्हारे सोचने से कोई छोटा नहीं हो सकता, ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। पर तुम ऐसा चाहते क्यों थे? एक्चुअली मैं नहीं चाहता था आप गटर में गिरें, इसलिए मैंने सोचा आप छोटी हो जाएं, इतनी सी। अच्छा अब तैयार हो जाओ और मेरे ब्रेकफास्ट का इंतजाम करो। जरा ध्यान से चलो, थोड़ी भी तमीज है तुम में या नहीं? इस जगह को तुम किचन कहते हो? ये कूड़ेदान जितनी गंदी है। मैं हर्बल टी पीऊंगी साथ में ब्राउन ब्रेड और स्प्राउट्स। हमारे यहाँ ये सब नहीं है। आखिरी बार यहाँ सफाई कब हुई थी? मैं दही सिर्फ तब खाऊंगी अगर ये फ्रेश होगा। ज्यादा नखरे मत कीजिए, यहाँ यही चलता है। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना होगा। वहां जाकर कुछ करना होगा क्योंकि इस छोटे साइज में तो मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा। आपको क्या लगता है इसमें स्कूल के भूत का हाथ है? वो हुल्डा स्टेकपॉट? नहीं, ये तुम अपनी उंगलियों से क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ कि आप बड़ी हो जाएं। आहा। अगर मैं सब कुछ ठीक कर दूं तो शायद आप कल रात की बात भूल जाएंगी। जो चाहे करो, मैं कोई भी बात भूलने नहीं वाली। चुप रहना। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, अपने आप से बात कर रहा था। तुम बिस्तर से गिर गए थे? हाँ ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वाह तो हम साथ में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। नहीं मैं बस अपने लिए सैंडविच बना रहा हूँ स्कूल के लिए। सैंडविच बना रहे हो? तुम खुद सैंडविच कब से बनाने लगे? मैं इसे काट दूं? नहीं 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 ये ऐसा ही ठीक है, ऑटो के प्रिंसिपल के हिसाब से। सैंडविच बनाने के लिए भी प्रिंसिपल है। इतने सारे प्रिंसिपल्स, तो मैं स्कूल छोड़ दूं? नहीं 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 मैं स्केटबोर्ड से चला जाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। मुझे बाहर निकालो वरना मैं इस दही में डूब के मर जाऊंगी। मेरे कपड़े, मुझे मीटिंग में भी जाना है। मैं जल्द से जल्द तुम्हें स्कूल से निकलवा के रहूंगी। मैं अपनी लाइफ की सारी भड़ास तुम ही पर निकालने वाली हूँ। यही करना चाहते थे ना? अपनी प्रिंसिपल को ठिकाने लगाना चाहते थे ताकि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सके। मेरे कपड़ों को ध्यान से सुखाओ जरा, ना ये श्रिंक होने चाहिए और ना ही जलने चाहिए। चुप रहिए, मैं आपको पुराने स्टाफ रूम में ले जाने वाला हूँ आपको दोबारा बड़ा करने के लिए। अगर वो नहीं हो पाया तो आप कूड़ेदान में जाकर सो सकती है, मुझे क्या। इस तरफ आइए, आइए अंदर आइए।
आपसे जो पैसा मिलेगा उससे हम इस स्कूल को एक नया रूप दे देंगे, खासकर तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए। इस रूम का कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस ऑटो लेनर्ड का स्क्रू ढीला था, उसने यहाँ एक अफ्रीकन म्यूजियम बनाने की सोची थी। हम ये सारा कबाड़ यहाँ से हटा देंगे और यहाँ आप बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक क्लब बनवा देंगे। हालांकि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए सबको जेबें खाली करनी पड़ेंगी। क्या हो रहा है वहां पर? बिकॉज की कुछ करो। बेवकूफ कहीं का, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं आपसे। यहाँ पहले से कोई है? कौन है अंदर? वही जिससे आप मिलना नहीं चाहती थी, वो कुछ लोगों पर से फॉर्म हटा रहे हैं। वो स्कूल इंस्पेक्टर? उसका यहाँ कोई भी काम नहीं है। उससे कहो कि मैंने उसे स्कूल से बाहर रहने को कहा था। मैं उनसे जाकर ये सब क्यों कहूँगा? वैसे भी आप तो मुझे स्कूल से निकालने वाली है ना? अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये स्कूल ही नहीं बचेगा। क्या? उसे कहो मैंने बैन कर दिया उसे, जल्दी करो। इस तरह घूर क्या रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए। जी सर, मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है, खड़ूस का, प्रिंसिपल का। अच्छा, तो बताओ तुम क्या कहना है। उन्होंने आपको स्कूल से बैन किया है। श्मिट गोस्वाइन मुझे बैन कर रही हैं? आपको भी हंसी आई होगी। उस निकम्मे लेडी ने ये कहा, देखा आपने कैसी बेहुदा बातें हो रही हैं। सुनो बेटा, तुम मारियो को जानते होगे, वो तुम्हारी उम्र का है, उसने मुझे कुछ बातें बताई हैं। जाकर कह दो अपने प्रिंसिपल से कि मारियो के स्कूल छोड़ने की रिक्वेस्ट बोर्ड ने मंजूर कर ली है। तुम्हारे स्कूल में बहुत ही कम बच्चे बचे हैं और मैं ये कल असेंबली में सबसे कह दूंगा कि स्कूल बंद होने वाला है। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। बहुत खूब, आप आइए मेरे साथ इस तरफ। शुक्रिया बच्चे, प्लीज इस तरफ आइए। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी, अब चलो। एक मिनट रुकिए। स्कूल बंद हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैम, मुझे स्कूल की जरूरत है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उस इडियट को अपना स्कूल बंद करने दूंगी? उसकी यहाँ नहीं चलेगी, उसे अपना एलीट स्कूल कहीं और खोलना पड़ेगा। एक एलीट स्कूल? हाँ, जहाँ बच्चे तुम्हारे जितने डफर हो सकते हैं लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा अमीर। पर इस स्कूल के पास सिर्फ एक स्टूडेंट कम है। यही तो उसकी एक घिनौनी चाल है बस। तो आपको मुझे एडमिशन देना चाहिए। उसके लिए तुम्हें मैथ एग्जाम पास करना होगा, हालांकि उसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। क्या कहा? आपको मेरी जरूरत है फिर भी आप मुझे एडमिशन नहीं देने वाली? रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनके होने की एक वजह होती है। ये तुम क्या कर रहे हो? फीलिक्स, क्या ढूंढ रहे हो अपने बैग में? तुम अपनी सारी पेंसिल तोड़ने वाले हो? ये कर क्या रहे हो फीलिक्स? आओ। एग्जाम पास करने में आप मेरी मदद करेंगी? ये क्या कर दिया तुमने? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? देखिए, मैं अपना आखिरी मौका नहीं गवा सकता। मैं तुम्हें सिर्फ 0 देने वाली हूँ, और तो और तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। अब आप बनेंगी मेरी चीट शीट। क्या? ऐसा कभी नहीं होने वाला। ऐसा होगा वरना आप हमेशा छोटी रहेंगी, तो अच्छे से सोच लीजिए। तुमने बढ़िया किया। हाय। ओह हाय। तो तुमने क्या डिसाइड किया है, मेरे दोस्त बनोगे या उन लूजर्स के? दोनों का नहीं बन सकता। वेल, यहाँ कोई नॉर्मल नहीं है, पर स्कूल अच्छा है। सच में? हाँ, थोड़ा अजीब तो है पर हमें पसंद है। यहाँ की प्रिंसिपल खड़ूस है, फिर भी तुमने स्कूल में एडमिशन ले लिया? वो एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस हैं। सॉरी, तुम्हारे मामले में टांग अड़ा रही हूँ, मेरी पुरानी आदत है। नहीं, कोई बात नहीं, बस उस बारे में बात नहीं करना चाहता। मारियो, परेशान मत करो। मैं जरा अपने पेंसिल केस को ठीक कर लेता हूँ। ओके, तो इसमें है क्या?
सीक्रेट है। सॉरी फेलिक्स, मुझे इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। तो प्यारे बच्चों, मुझे माफ करना पर आज मैं आपके एग्जाम का सुपरवाइजर हूँ। पर यकीन कीजिए, मैंने आज आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स के सवाल बनाए हैं। आप सबको मजा आएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो एंजॉय। ये सब क्या है? ये टेस्ट पेपर तो मैंने ही बनाया था। मैं यहाँ क्या लिखूं? नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। ये टेस्ट तो तुम्हारे जैसे डफा के लिए भी बहुत आसान है। आप हेल्प नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगा। चलो इसे जल्दी सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है। क्या ये सही है? तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, पर जवाब सही है। चलो एक आंसर तो ठीक लिखा। Hey. डेयर नंबर टू, तुम्हें हमारा टेस्ट भी लिखना होगा। पागल हो क्या? सेलफोन। वो अपने आप को समझता क्या है? आपको मेरी हेल्प करनी होगी। बार बार ये कहना बंद करो। मैं एक साथ चार पेपर्स कैसे लिख सकता हूँ? उनसे दोस्ती करने से पहले ये सोचना चाहिए था। एक बात बताओ, वो उस स्कूल इंस्पेक्टर का बिगड़ा हुआ बेटा ही है ना? उन्हें कम से कम बी ग्रेड चाहिए, तभी वो मुझसे बात करेंगे। अब आप मेरी हेल्प करेंगी? बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं, मैं मदद करूंगी। ओके, 4,55,36,249। सच में? 8,66,01,780। ये क्या हो गया? पर आपकी हेल्प के लिए थैंक्स। तो अब तुम्हारा धमाकेदार प्लान क्या है? जैसे ही मुझे एडमिशन मिल जाएगा, मैं आपको बड़ा कर दूंगा और फिर आपके पास स्कूल चलाने के लिए बच्चे होंगे। और तुम मुझे बड़ा कैसे करोगे? वो छोड़ो, मेरी हालत देखो जरा। थोड़ी सी इंक ही तो है। सबसे पहले तो तुम मुझे एक नई ड्रेस खरीद के दोगे। मैं लड़कियों के कपड़ों की दुकान में नहीं जाने वाला, मेरी भी कोई इज्जत है। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। मैं पैसे बचा रहा हूँ अपने। मेरे पास एक आइडिया है। ये देखो, सही साइज लग रहा है ना? हाँ, पर ये मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं। फेलिक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाय एला, तुम्हें डॉल्स पसंद है? नहीं, कैसे डॉल्स? ये मेरे लिए नहीं है। तो किसके लिए है? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? एक लड़की जो दोस्त है और उसकी एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? हाँ नहीं, मेरा मतलब उसका बर्थडे है। तुम अपने किसी फ्रेंड को बर्थडे पर डॉल दे रहे हो? How sweet. हाँ सही कहा, इसके पैसे दे देता हूँ। क्या तुमने कुछ चुराया? क्या? नहीं। तो आज का क्या प्लान है? वापस स्कूल जाना है। ओके, मुझे भी वही जाना है। बाय, मुझे इस तरफ जाना है।
अरे ये क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? स्मृति, स्मृति, ये किसका नाम ले रहे हो तुम? शुक्र आप पहले जैसी ही हैं। इनकी तो वार लग गई। एला बोर्सिक, ये किस तरह की भाषा बोल रही हो तुम? तुमने हमारी प्रिंसिपल को छोटा कर दिया? हाँ, और अब ये बात पूरे स्कूल को पता चल जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ, ये किया कैसे? बताने के अलावा कोई रास्ता है? नहीं। तो आगे का प्लान क्या है? क्या कोई जानता है प्रिंसिपल गोस्वाइन कहाँ पर है? यहाँ असल में होने क्या जा रहा है? इंस्ट्रक्शन ही पूरा। प्लीज प्लीज आप सब यहाँ से चले जाइए, चले जाइए प्लीज। आप सबको कल असेंबली में ये बात पता चल जाएगी। अब कोई इस दरवाजे को खोलेगा प्लीज? चलो जल्दी। ठीक है, हम फिर से उसी जगह आ गए हैं। अब सोचो कि मैं फिर से बड़ी हो जाऊं। पर ये तो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है ना? हाँ, नहीं, जैसे तब मेरे छोटे होने का सोचा था वैसे अब मेरे बड़े होने का सोचो। जैसा आप कहें। ठीक से कोशिश करो, सोचने का तरीका वही होना चाहिए। ओके। गटर में नहीं गिरी, गटर में नहीं गिरी। लगता है तुम ठीक से नहीं सोच रहे। शायद गलती मेरी नहीं है। तो इसमें क्या मेरी गलती है? ये तुम्हें ही करना होगा। आपने उस वक्त फीलिक्स को क्या कहा था? मैंने? उसका इस सिचुएशन से क्या कनेक्शन है? हम तो ये भी नहीं जानते कि सिचुएशन क्या थी, लेकिन आप याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। एक और आवाज भी थी। हाँ, तो फीलिक्स इस कमरे में चोरी छुपे जो आया था, तो मैं उसे स्कूल से निकालने वाली थी, चाहे ऐसा करने से स्कूल बंद ही क्यों ना हो जाए। ये मेरा मानना है, रूल्स रूल्स होते हैं। ये वही आवाज है। आग! क्या? जरूर इस बॉल से कुछ जुड़ा हुआ है। इसमें मैं शायद थोड़ी मदद कर सकती हूँ। ये ऑटो लेनेट कलेक्शन में से है और इस पर लिखे नोट्स में घर ले गई थी। क्या हुआ? चुराए नहीं थे, बस पढ़ने के लिए ले गई थी। रीडिंग मेरी हॉबी है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल होने पर जो मुझे सैलरी मिलेगी उससे हम एक रसोईया अफोर्ड कर पाएंगे डार्लिंग। वेल, इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। और तुम्हें अच्छी पॉकेट मनी भी मिलेगी और अच्छे दोस्त भी। अच्छा बताओ, तुम्हारी क्लास में वो नया स्टूडेंट कौन है? माफ करना, खाना पसंद नहीं आया? नया स्टूडेंट? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बस कल ही आया है। एक और स्टूडेंट नहीं आ सकता, मैं स्कूल पर ताला नहीं लगा पाऊंगा। आई होप तुम इसे डील कर पाओगे। हाँ बिल्कुल, मुझे एक प्लान की जरूरत है। श्मिट गोस्वाइन से बात करनी होगी। एक ऑफर, मैं उसे एक ऑफर दूंगा। चाबी गमले के नीचे है। 100 साल पुराना आधुनिक तरीका। हाँ मैं हूँ ओल्ड फैशन। तो शू कवर्स पहन लो और प्लीज किसी चीज को छूना मत। क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, तो यहाँ और कौन रहता होगा? मिस्टर गोजलवाई नहीं है? घर तो काफी बड़ा है। मैं अपने दादाजी के साथ यहाँ रहती थी, उन्होंने ये घर मेरे नाम कर दिया। क्या ये आप हैं? ये कब की बात है? जब मैं भी एक स्टूडेंट थी, मुझे फिजिक्स में प्राइज मिला था।
मैं अमेरिका जाके रिसर्च कर सकती थी। तो गई क्यों नहीं? मेरी मम वहाँ पिछले 6 महीनों से काम कर रही है। हाँ, शायद मैं तुम्हारी मॉम जितनी बहादुर नहीं थी। लग रहा है आपको उसका अफसोस है। क्या आपका आज भी यही सपना है? पहले जितना तो नहीं, पर शायद दोबारा मौका मिल जाए तो मुझे बहुत मजा आता था। सिर्फ मैं और मेरी बुक्स और कोई नहीं। नोट्स वहां उस कबर्ड में है। जरा ध्यान से, वहां बहुत ही। धूल है। वाओ, लगता है इन्हें दुनिया भर में घूमने का शौक था। मैं कभी समझ नहीं पाई वो एक जीनियस था या पूरी तरह से पागल। वो जो भी हो, हम ये कल सुबह तक नहीं पढ़ पाएंगे। ये बॉल तो खुलती है। इसमें राख भरी है। ये क्या हो रहा है? मेरा नाम है ऑटो, ऑटो लेनर्ट। मेरे जाने का समय नजदीक है और मेरी जिंदगी भर की मेहनत खतरे में है। सारे स्टूडेंट्स को मेरे बाद आने वाली प्रिंसिपल से नफरत है। खुल जा स्टेप बात। वो उसी लायक है। उसे मेरी हर नई और बेहतर सिखाने की तकनीक से दिक्कत होती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए सही है। लेकिन मैंने भी कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं। मैं अभी इसी वक्त एक जादुई काढ़ा बनाऊंगा। इस जादुई काढ़े से मेरी आत्मा हमेशा स्कूल में रहेगी और हर उस शख्स से लड़ेगी जो मेरी आइडियाज पर अमल नहीं करेगा। मेरा मतलब है मेरे सिखाने की नई तकनीकों पर। इस काढ़े की रेसिपी का श्रेय जाता है मेरे दोस्त शेफ चिन टॉपकी को। नहीं नहीं, ये वाला। ये कोई रिकॉर्डिंग थी क्या? टाइम मशीन जैसा कुछ लगता है। लकड़बग्घे के बाल। हेलो। अच्छा ठीक है, मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़े से बाल जिन्हें हमें तेज आंच पर उबालना है। थोड़ा सा बेहोश गोबर। खरगोश का गोबर। मैं भी ना। स्वादानुसार। फिर डाले दो सांड। अब सांड पर बैठे हुए मेंढक की दो आंखें बड़ी बड़ी। अब इसे पूरी तरह से जला देना है। कुछ बाकी है। क्या लिखा है? एक जुआ। ओह, एक चूहा। अब इस जादुई काढ़े की मदद से मैं अपनी आत्मा स्कूल की दीवारों में ट्रांसफर कर दूंगा। फिर जो भी मेरी तकनीकों को, ये सब तो मैं बता चुका हूं। अब जादू शुरू। समझ गया। इस स्कूल में होल्डर्स चेकबर्थ की आत्मा नहीं है, ऑटो लेनर्ड की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस सन के प्रोफेसर को जादू आता होगा और वो स्कूल? वही सिचुएशन है। स्कूल बंद होने वाला है और स्कूल की प्रिंसिपल गायब है। मुझ में और होल्डर्स चेकबर्थ में क्या फर्क है? मुझसे कोई नफरत नहीं करता। एक्चुअली शुरुआत में थोड़ी सी नफरत थी। शुरुआत में थोड़ी सी नफरत? ऐसा क्यों फेलिक्स? मतलब जब तक मैं आपकी क्लास में था शायद। जरा साफ साफ बताओ प्लीज। जब तक आप छोटी नहीं हुई थी तब तक मैं आपसे नफरत करता था। फिर मैं आपको थोड़ा बेहतर जानने लगा और मेरे विचार बदल गए। एला, तुम कुछ कहोगी? ये सही कह रहा है, सारे स्टूडेंट्स आपसे डरते हैं और इसका मतलब ये है। मैं 20 सालों से रोज 12 घंटे काम कर रही हूँ ऑटो लेनर्ड स्कूल के बच्चों की भलाई के लिए और अब मुझे पता चलता है कि सब मुझसे नफरत करते हैं और मेरी वजह से स्कूल बंद होने वाला है। वो आपकी क्लास मजेदार नहीं होती है ना? मजेदार? तो मुझे भी कौन सा मजा आता है? हाँ,
पर अब हम जानते हैं हमें क्या करना है। अगर कल आप मुझे असेंबली से पहले एडमिशन दे दें तो आपके पास काफी स्टूडेंट्स होंगे। फिर ऑटो आपसे नाराज नहीं रहेंगे। मतलब स्कूल तो बंद नहीं होगा। हाँ, पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सब रूल्स के खिलाफ है। I'm sorry, मैं थक चुकी हूँ। मेरे ख्याल से आपको अच्छी नींद की जरूरत है। सुबह उठकर आप अच्छी तरह सोच पाएंगी। स्कूल से पहले हम आपको लेने आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो मेरे घर पर सो सकती हैं। मतलब उस कबाड़ के ढेर में? मैं बस आपको अपने साथ रखना चाहता था। अगर तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है। थैंक यू। मैं कल सुबह 6 बजे तक आ जाऊंगी। ओके, हाँ, तुमसे कल सुबह मिलता हूँ। बाय। डॉक्टर श्मिट गोस्वाइन, दरवाजा खोलिए, आपसे बात करनी है। मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। अपना लेटर बॉक्स चेक कर लीजिए। रहे हो? स्कूल जाने का वक्त हो गया है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है मैं समझ चुका हूँ कि मिस्टर ऑटो के पास स्कूल के लिए कैसे आइडियाज थे। मैंने उनके प्लान को हमारे स्कूल की एरियल इमेज के साथ टैली किया। अगर सारे कैलकुलेशन सही हो तो स्कूल के नीचे एक रास्ता है जो स्कूल के सारे कमरों से गुजरता है। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है? प्लान में इस रूम की लंबाई है 9 सेंटीमीटर्स और इसको बड़ा कर दिया तो इसकी लंबाई हो जाती है 4.5 मीटर्स। इस कैलकुलेशन के लिए शाबाश। इतना ही नहीं, और बहुत कुछ है। ये सारे कमरे जुड़े हुए हैं और इनमें साइंस और जियोमेट्री जैसी थीम्स हैं। दरअसल हमारे स्कूल के नीचे सिर्फ एक चीज है और वो है धूल भरी बेसमेंट। नहीं, मेरे हिसाब से ऑटो लेनर्ड ने वहाँ नीचे प्लेग्राउंड्स बनाए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि स्कूल और प्लेग्राउंड एक ही जगह हो सकते हैं तो तुम गलत सोच रहे हो। ठीक है, मैं आज से पहले कभी किसी स्टूडेंट के घर नहीं रही हूँ, पर अगर मैं सही सोच रही हूँ तो तुम एक पायलट बनना चाहते हो। पता नहीं। तुम जब चाहो उड़कर अमेरिका जा सकते हो, और अगर यही तुम्हारा सपना है तो तुम्हें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए और तुम जरूर सफल होगे। और शायद इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सच में? हाँ, बस उसके लिए मुझे फिर से पहले जैसा होना पड़ेगा। Thank you.
ऑटो लेनर्ड, आप मुझे सुन सकते हैं? इन्होंने स्कूल बचाने के लिए मुझे एडमिशन दे दिया है। मेरे ख्याल से हमें आज दोपहर को स्कूल इंस्पेक्टर से बात करनी होगी। क्या ये एक एच है? हाँ, तो और क्या होना चाहिए? कोई इसे नहीं पढ़ पाएगा, आपको हैंडराइटिंग सुधारनी होगी। देखो, तुम मुझे हैंडराइटिंग के बारे में मत सिखाओ। मैं खुद इसे साइन कर दूं तो? फेलिक्स, इस डॉक्यूमेंट का वैलिड होना जरूरी है। पर इसे कोई पढ़ नहीं पाएगा। तुम दोनों बात करना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। इन्हें गुस्सा बहुत आता है। मैम, आपकी राइटिंग खराब है। ये सही कह रही है। हार मत मानिए, आप इसे बेहतर कर सकती हैं। तो मेरे नन्हे प्यारे दोस्तों, मैंने तुम सबके मैथ्स पेपर चेक किए हैं और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम में से ज्यादातर लोगों ने कुछ खास नहीं किया। एला, तुम सबसे अलग हो, तुम्हें मिला है ग्रेड ए। फेलिक्स अभी नया है तो मैं समझ सकता हूँ, पहला जवाब अच्छी तरह दिया फिर तुम भटक गए, तो डी माइनस। मारियो, रॉबर्ट एंड क्रिस, अफसोस पर तुम्हें ई ग्रेड मिला है। मार्क, सी माइनस। आपने क्या किया? स्वेन, तुम्हें डी मिला है। अभी तेरा खेल खत्म फेलिक्स। अल्फोंस, तुम्हें सी प्लस, मुबारक हो। कहाँ जा रहे हो? तुमसे बहुत जरूरी काम है बेवकूफ। उसे छोड़ो, बीच में मत आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथ ऐसा करने की? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा किया। अच्छा, पेंसिल बॉक्स में रखे सेल फोन पर किससे बातें कर रहे थे? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझे जानना है, मुझे ई मिला है, बताओ मुझे। कभी नहीं। फेलिक्स, उसे बता दो। इसे यही पकड़ कर रखना। छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो तुम? एक छोटी सी गुड़िया, वो बस गुड लक के लिए है। ये प्रिंसिपल जैसी लग रही है। फेलिक्स, तुम बिल्कुल पागल हो। तुम हमारे आसपास भी मत दिखना। वो प्रिंसिपल मुझे दे दो। मेरा मतलब प्रिंसिपल जैसी डॉल। अपनी डॉल को भूल जाओ, जब तक तुम अपनी गलती सुधार नहीं लेते तुम्हें ये वापस नहीं मिलेगी। ओह नो, स्कूल असेंबली को शुरू होने में 2 घंटे भी नहीं बचे हैं। हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द खड़ूस को वापस लाना होगा। हाँ, मैं तुम्हें भी खाना खिलाऊंगा मैक्सी। तुम्हें जुकाम है क्या? ये क्या हो रहा है? क्या ये क्या है? मैं सब कुछ नहीं बता सकती, ये एक तरह का श्राप है। डॉक्टर श्मिट गोजनवाइन। तो तुमने मुझे पहचान लिया। अच्छा, उस बिल्ली को प्लीज यहाँ से निकालो, मुझे एलर्जी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने ये क्या पहन रखा है? और फेलिक्स के पेंसिल बॉक्स में आप ही थी ना? हाँ, और तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें ई मिला, तुमने तो अपना पेपर भी खुद नहीं लिखा। अगर मैं होती तो मैं तुम्हें एफ देती। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या आपने कभी टॉयलेट में स्कूबा डाइविंग की है या बारबेक्यू में बैठी है? मारियो हैनिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वहीं रुक जाओ, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपको लेकर मैंने कितने आइडियाज सोचे। आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तुम्हारे डैड को सब कुछ बता दूंगी। उन्हें तो सुनकर बहुत खुशी होगी, आपके सारे स्टूडेंट्स को भी होगी। यहाँ गाड़ी नहीं है। जरूरी नहीं कि वो अकेला हो, पर कोशिश तो करनी होगी। ये तुम सही नहीं कर रहे। ये वाला आपके तानों के लिए, ये आपके दिए होमवर्क के लिए।
चुप रहो, ये आपके पकाओ लेक्चर के लिए। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है और मेरे सांप का भी पेट नहीं भरा है। एला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉल दो। अरे यार, मुझे उल्लू समझ रखा है क्या? तुम उस लूजर फीलिक्स की मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे डैड स्कूल बंद करने वाले हैं। अगर तुम मुझसे अच्छा बर्ताव करोगी तो मैं तुम्हारा नए स्कूल में एडमिशन करवा सकता हूँ। सच में तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, मेरा मतलब तुम क्लास की इकलौती ऐसी लड़की हो जो मुझे थोड़ी बहुत पसंद है। तो तुम्हारे गैंग में शामिल होना होगा? गैंग अब नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? रॉबर्ट के पेरेंट्स कंगाल हैं, क्रिस के माँ बाप थोड़े पागल हैं, तो गैंग खत्म। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों आगे भी एक साथ पढ़ सकते हैं। पर सच बताओ, खड़ूस तुम्हारे पास है? हाँ बिल्कुल। थैंक्स मारियो, मुझे बस यही सुनना था। क्या तुमने मान लिया कि तुम किडनैपर हो? मुझे दो वो सेलफोन। क्या फेलिक्स? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पर अब यहाँ से बाहर कैसे निकले? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बिल्कुल नहीं, मुझ पर भरोसा कीजिए। दरवाजा खोल। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास स्कूल कॉन्फ्रेंस में। आने के लिए शुक्रिया। आप तो समझ ही गए होंगे कि यहां बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है। इस हालत में मैं मीटिंग के लिए नहीं जा सकती। प्लीज मिस्टर ऑटो, हमें खड़ूस को पहले जैसा बनाना होगा। आपको स्कूल इंस्पेक्टर को बताना होगा कि आपके पास काफी स्टूडेंट्स हैं। मिस्टर ऑटो प्लीज। ये काम नहीं कर रहा। मैं इसी की हकदार हूँ। अफसोस की बात है पर आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है, पर मेरे हाथ भी नियमों से बंधे हुए हैं, क्या करूं। आपके स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या जरूरत से कम है, इसलिए मेरे पास स्कूल को बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं।
जानते हो उस मारियो ने मेरे साथ क्या किया? ऐसा कुछ जो कोई सोच भी नहीं सकता। मारियो ऐसा ही है, वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। नहीं, उसने मुझसे उन सब चीजों का बदला लिया जो मैं क्लास में बच्चों के साथ करती हूँ। होल्डा स्टैग पार्थ की तरह मैं भी गायब हो जाऊंगी, किसी को मेरी याद नहीं आएगी और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इस तरह से ठीक नहीं होगा। स्कूल इंस्पेक्टर को जाकर सब कुछ बताइए। मुझे टीचर होने का कोई हक नहीं और ना ही स्कूल की प्रिंसिपल होने का। इस बात पर सबसे ज्यादा मुझे इस तरह मीटिंग के बीच में क्या? I'm very sorry, पर ये जरूरी है। ये देखिए, डॉक्टर श्मिथ गोजनवाई ने मुझे एडमिशन दे दिया। अब ऑटो लेनर्ड स्कूल में स्टूडेंट्स की गिनती पूरी हो गई है, आप स्कूल बंद नहीं कर सकते। ये तो किसी बच्चे की ड्राइंग लग रही है मुझे। नकली साइन करने थे तो कम से कम प्रैक्टिस तो कर लेते बेटा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि डॉक्टर श्मिथ गोस्वाइन को खुद यहाँ होना चाहिए था अगर वो इस स्कूल को बंद नहीं होने देना चाहती थी? अगर उनका यहाँ आना मुमकिन होता तो वो यहाँ जरूर होती। तो मुझे ये भी बता दो कि उन पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो वो इस मीटिंग में नहीं आ पाई है। वो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी प्रिंसिपल भी जानती थी कि वो अब इस स्कूल को बंद होने से नहीं रोक सकती और इसीलिए उन्होंने एजुकेशन अथॉरिटी का अपना प्रमोशन स्वीकार कर लिया। क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया? हाँ बिल्कुल किया। देखो बेटा, यहाँ मेरे पास उनका एक्सेप्टेंस लेटर भी है, उम्मीद है इससे तुम्हें यकीन आ जाएगा। क्या वो किसी और पोस्ट पर जाना चाहती है? ये है उनके एप्लीकेशन की एक कॉपी, उन्हें अपने करियर पर ध्यान देने का पूरा हक है ना? मेरे ख्याल से वो तुम जैसे बच्चों से बोर हो चुकी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ ही मीटिंग भी खत्म होती है। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा हो। ये क्या हो रहा है यहाँ? डॉक्टर श्मिथ गोस्वाइन, ये आपको क्या हो गया? मुझे एक मिनट के लगा कि आप श्रिंक हो गई हैं। तुम्हें भी श्राप लगा है, बिल्कुल मेरी तरह। इंस्पेक्टर हैनिंग कहाँ गए? वो चले गए। फीलिक्स, एक और गड़बड़ हो गई है। प्रिंसिपल तो बड़ी नहीं हुई लेकिन हैनिंग भी छोटे हो गए, फिर जमीन खुल गई और दोनों नीचे गिर गए। अब कुछ नहीं कर सकते, ऑटो लेनर्ड ही मदद नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने प्रिंसिपल को बड़ा क्यों नहीं किया। क्योंकि खड़ूस ने कुछ नहीं किया, हमें अकेला छोड़ दिया। सुनो, पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टर श्मिथ गोजलवाइन, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है। ज्यादा सैलरी, बड़ी पोस्ट, बड़ा ऑफिस, इसका क्या मतलब है? खड़ूस ने बहुत पहले स्कूल की उम्मीद छोड़ दी थी, उन्होंने सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता, उन्हें ढूंढना चाहिए, वो मुसीबत में हो सकती है। उन्हें बेटर जॉब मिल गया था इसलिए वो आज यहाँ नहीं आई। बड़े लोग सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं, पर मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। पर अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हमारे पास स्कूल ही नहीं रहेगा। मेरे पास तो अब भी नहीं है। फीलिक्स प्लीज, तुम इस तरह नहीं जा सकते। बाय अला। मिस्टर हैनिंग, क्या ये आप ही हैं? आप इतने दुबले कैसे हो गए? मैं रोज जॉगिंग जो करता हूँ, पर बिना मुझे छुए आपको कैसे पता चला? क्या मतलब, यहाँ कोई और भी है? एक मिनट, मेरे पास एक लाइटर है। जो श्रिंक होकर गायब हो गई थी जब उसने स्कूल बंद करने की बात की थी। श्रिंक हो गई? हाँ।
8, 9, 10, 11, 12, 13. दरवाजा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे फोन करो। वाओ, तुम यहाँ कैसे? हाँ, पकड़ो उसे। जा। तो मॉम को कॉल कर सकते हैं? हाँ, अभी कर सकते हैं। क्या बात है? बहुत ही लंबी कहानी है। स्कूल के बारे में है क्या? ठीक है फिर, फैमिली कॉन्फ्रेंस। ओके, शो टाइम। ये हो गया, शक्ल देखने दो। ठीक है, कैसे हो तुम दोनों? गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। तो फीलिक्स हमसे कुछ कहना चाहता है, उसके स्कूल के बारे में है कुछ। फीलिक्स बेटा, मुझे माफ करना, हम तुम पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, और हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम किसी को निराश नहीं करोगे। एला के सिवा तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी खड़ूस टीचर के बारे में बताया। हाँ, पर उन्हें जानने के बाद वो इतनी भी खड़ूस नहीं लगती। फिलहाल प्रॉब्लम यह है कि हमारा स्कूल बंद होने वाला है। क्या? क्या? सारे स्टूडेंट्स का क्या होगा? हाँ, वही तो। फीलिक्स प्लीज, तुम इस तरह नहीं जा सकते। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हमारे पास स्कूल ही नहीं रहेगा। मुझे अभी कुछ याद आया, मुझे स्कूल जाके कुछ काम करना है। बाय। क्या तुम खुद को मुझ पर लादना बंद करोगी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। तुम घुर्रा रही हो। क्या कह रहे हो तुम? ये रहा मेरा लाइटर। स्कूल के नीचे एक सीक्रेट दरवाजा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे फोन करो। एला, एला, तुम कहाँ हो? हाय फीलिक्स, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एला को छोड़ दो। अब डेयर नंबर 3, प्रिंसिपल मैम मुझे दे दो और मैं एला को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? प्रिंसिपल मैम मेरे पास नहीं है। और मैम मेरे पास भी नहीं है, बेवकूफ। प्रिंसिपल मैम को तुमने भी तो देखा, मिस्टर ऑटो की आत्मा स्कूल की रक्षा कर रही है। क्या? कोई आत्मा स्कूल की रक्षा क्यों करेगी? ये सवाल तुम अपने बॉस से पूछो ना, उसके डैड स्कूल को बंद करवाना चाहते हैं। ये क्या बकवास है? स्कूल बंद नहीं होने वाला है, बस यहाँ पर एक एलीट स्कूल बनने वाला है। क्या इसका क्या मतलब है? वैसे क्या मारियो के दोस्तों को मारियो के ख्याल पता है? ओह हाँ, जरा ये सुनो। ओह नहीं, गैंग अब नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? रॉबर्ट के पेरेंट्स कंगाल हैं, क्रिस के माँ बाप थोड़े पागल हैं, तो गैंग खत्म। देखो दोस्तों, दुनिया का यही नियम है, और स्कूल मैं थोड़ी ना बंद कर रहा हूँ। पर तुम्हारे डैड कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? पहले हमें प्रिंसिपल मैम को ढूंढना है, वो स्कूल बंद होने से रोक सकती हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
ये स्कूल हमारा भी है समझे। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, धोखेबाज। ओह कम ऑन मारियो, तुमने ये सब हमसे छुपाकर अच्छा नहीं किया। रॉबर्ट, एलीट स्कूल में कोई भी आ सकता है, तुम भी। नहीं, तुमने ये कहा था कि मेरे पेरेंट्स कंगाल हैं, याद करो। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम सब पागल हो गए हो, मैं अभी मेरे डैड को फोन करूंगा, वो ऑफिस में ही होंगे। चलो इस तरफ। जरूर उसके पीछे कुछ है। हाँ, हमें इन्हें हटाना होगा। क्या ये सब? इन्हें हटाए बिना अलमारी नहीं हट सकती। वैसे ये आसान काम है, तो चलो करते हैं। मेरा फोन, ये हमारी जान बचाएगा। आह, मैं कहाँ हूँ यही तो जानना है। हाँ, कोई बता सकता है हम कहाँ हैं? यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, शायद SMS भेज पाऊंगा। ये क्या है? सेनी टडू की पुएरो। आपको राह दिखाएंगे बच्चे। बच्चे, क्या बात है, ये स्कूल का असली मोटो होगा, इसका आधा हिस्सा गायब था। मुझे ये ऑटो लेना अब पसंद आने लगे हैं। तुम क्या कर रहे हो? वाओ, फिलिक्स ने सही कहा था, यही वो रास्ता है। यही वो रास्ता है? हाँ, एक मिनट दिखाता हूँ। मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी? हेलो, यहाँ कोई है? तो हम यहाँ हैं। बचाओ, हमारी मदद करो। सुनाई दिया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम यहाँ हैं। लगता है इसमें से आ रही है ना? तू हमें सुन सकता है? लग तो ऐसा ही रहा है। हेलो डॉक्टर श्मिट रोजेनवाइन। फिलिक्स, क्या तुम हमें सुन सकते हो? हम यहाँ नीचे हैं। हाँ, हम वहीं आ रहे हैं। मारियो, अब तुम्हें क्या चाहिए? हमारे साथ चलो। जियोग्राफी रूम लग रहा है। उस तरफ जाना है। हाँ। हेलो। मैं आ रहा हूँ डैड। डैड, हम आ रहे हैं डैड। शुक्रिया, अब डरने की कोई बात नहीं। कुछ तो होना चाहिए। हाँ, ये रहा। वाह, ये किसी तरह का पजल है। ये आईफल टावर है, मुझे पता है, ये फ्रांस में है। जल्दी, हमें 3 सही जवाब देने हैं। खबरदार बिल्ली। मारियो, जल्दी करो बेटा, प्लीज। आग, वहां पर आग लगी है। आग लगी है? मुझे ये पता है, ये ताजमहल है और ये इंडिया में है। तुमने चाइना कर दिया। ओह,
में है और गीजा है, रुको, गीजा इजिप्ट में है। यस, वाओ, हमें कूदना होगा। कहने में आसान है पर मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ओ, अब डरना बंद भी करो। अच्छा, ऊपर आग नीचे बिल्ली, जाए तो कहाँ जाए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, मैं वहाँ गया था, ये न्यूयॉर्क में है। अरे ये क्या है, एक और पजल। हमें बस एक मैथ्स का सवाल सॉल्व करना है। तो वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? एला, हमें एक डाइस चाहिए जल्दी। यहाँ कोई डाइस नहीं है। पर हमें वो चाहिए, या नहीं, वो जो नीली सी चीज है वो लेकर आओ। फेलिक्स, और कितनी देर लगेगी? पहले तो ये बताइए कि हम आपको क्यों बचाएं? आप वैसे भी हमें छोड़कर स्कूल बोर्ड ज्वाइन कर रही हैं ना? स्कूल बोर्ड? तुम्हारा मतलब वो पुराना एप्लीकेशन? थैंक्स क्रिस, वो येलो वाला चाहिए। रॉबर्ट, उसके बगल में वो जो ग्रीन है वो, मारियो रेड वाला, कितना पुराना? सदियों पुराना, जो स्कूल बंद होने की बात भी नहीं निकली थी। ये बहुत पुरानी बात है, उस वक्त मैं बच्चों को सिर्फ मुसीबत मांगती थी। अच्छा, और अब? मैं समझ गई हूँ कि अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। मुझे बच्चों की बात माननी चाहिए थी। कहा था ना वो हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगी। मैं गलत समझ बैठा, सॉरी एला। कोई बात नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। लगता है हम मरने वाले हैं। जल्दी चलो, जल्दी। डैड, हम आ गए हैं। देखो वो वहाँ है। चलो जल्दी करो, ये ऑयल की बोतल फटने वाली है। अरे नहीं, मत, हम आ गए। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। कहा था ना फीलिक्स कर सकता है। ओ, आप भी जानती हैं ये सच नहीं है। मारियो, बताओ इन्हें हमें किसने बचाया? ओए, सच बोलो। ठीक है, एक्चुअली वो, एक्चुअली हम सब ने मिलकर किया। हाँ। ये कोर्स तो लाजवाब है। तुमने वो स्लाइड देखी? और ज्योग्राफी रूम की पजल काफी मुश्किल थी, लेकिन उसकी ट्रिक डॉक्टर श्मिट गोजलवाइन। हाँ, अब जरूरी बात करें। माफ करना। तो अब आप दोनों को ये वादा करना होगा कि आप ओटो लेनर्ड स्कूल बंद नहीं करेंगे। हाँ, वो तो मतलब